ये हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के सबसे बड़े फेलियर हैं। क्या बकवास कर रहा है, भारत का सबसे लाउड साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट एक फेलियर? कई लोगों को ये स्टोरी पता नहीं है, लेकिन शुरुआती दिनों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने एग्जाम भी दी लेकिन सीट्स थी 8 और वो आए 9th, यानी फाइटर पायलट बनने के उनके ड्रीम में वो फेल हो गए। कुछ सालों बाद वो इसरो में SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के हेड बने। ये प्रोजेक्ट इसरो के लिए उस जमाने का काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये व्हीकल ये प्रूव करने वाला था कि इंडिया भी सैटेलाइट्स ऑर्बिट तक लॉन्च कर सकता है। लेकिन जो रॉकेट ऑर्बिट तक पहुंचना था वो बे ऑफ बंगाल में डूब गया। इस लॉन्च के जिम्मेदार कलाम थे। लॉन्च होने के बस कुछ सेकंड पहले कंप्यूटर ने उन्हें वार्न किया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और वो फेल हो गए। डिफरेंस बस ये है कि वो वहां पर रुके नहीं। एक साल बाद उन्होंने ये लॉन्च फिर से अटेम्प्ट किया और इस बार वो सक्सेसफुल हुए। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे हीरो हैं, और वो इस मुकाम तक सिर्फ इसीलिए पहुंचे कि अगर वो 100 बार फेल हुए तो उन्होंने 101 बार ट्राई करने की ब्रेवरी दिखाई।